हाँ, एक नजदीक आते आते वो सूचना होगी और रुक जाएगी जी। लेकिन दो कौन कहे, हाँ तो तीन तीन गाड़ियां एक साथ लगे, तो दुर्भाग्य है। और जहां तक जुमले की बात है, यह जुमला पर ही चल रही है, लेकिन लोगों को जान, जैसा कि आपने कहा कि एक साल पहले एक सुरक्षा कवच बना था, एक डिवाइस ऐसा आई थी जिसके साथ केंद्र सरकार ने कहा था कि अब कोई भी रेलगाड़ी आपस में नहीं टकराए। कुछ किलोमीटर पहले, यानी 40 से 50 किलोमीटर के पहले जब गाड़ियां एक ट्रैक पर दोनों चलेगी, हाँ। तो कहीं ना कहीं से दोनों बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक बड़ी ही दुख भरी खबर पे डिबेट करने के लिए बैठा हूँ। कल शाम को उड़ीसा के एक जगह से एक बड़ी बुरी खबर आई कि वहाँ तीन गाड़ियों का, एक मालगाड़ी और दो सवारी गाड़ी, वो आपस में टकरा गई और टकराव इतना भयंकर था कि अब तक उसमें से लगभग 300 से ऊपर लाश को निकाला जा चुका है और लगभग हजारों के ऊपर लोग घायल हैं। और अभी भी जो एनडीआरएफ की टीम जो है, जो बचाव दल है, वो लगा हुआ है और वो लगातार काम कर रहा है और जो उसमें फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का एक प्रयास किया जा रहा है। और इस घटना ने पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के रेलवे मंत्रालय ने भी गहरा क्षोभ व्यक्त किया है और भी सारे जितने लीडर हैं वो सब इस घटना को लेकर दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दुख व्यक्त कर देने से, क्या संवेदना व्यक्त कर देने से जो जिन लोगों की मौत हुई है 300 से ऊपर, हालांकि जो आंकड़े बता रहे हैं कि ये मरने का सिलसिला हजारों के ऊपर जाएगा, जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं और जिस तरह से बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, तो सवाल ये उठता है कि आज से एक साल पहले 2022 के मार्च महीने को याद करने के बाद ये सवाल उठता है कि उस समय जब रेल मंत्री, भारत सरकार के रेल मंत्री ने और मोदी जी ने एक रेलवे सुरक्षा कवच डिवाइस बनाया था और उसमें रेल मंत्री ने उद्घाटन करते हुए ये कहा था कि 40 किलोमीटर के परिधि में जब एक ट्रैक पे दो गाड़ियां अगर आ जाएंगी तो वो स्वतः, अगर ड्राइवर सोया भी रहेगा तो वो गाड़ी रुक जाएगी, टकराएगी नहीं। और इसको लेकर के बड़े प्रचार प्रसार हुआ था कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा डिवाइस तैयार कर लिया है, अब रेलवे में कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। लेकिन पिछले 20 साल का इतिहास जब देखा जाता है और देखा जा रहा है तो आज की जो कल रात जो घटना घटी है वो सबसे बड़ी घटना है और इतने लोगों की मौत आज तक नहीं हुई थी। तो सवाल उठता है कि आखिर वो डिवाइस, वो सुरक्षा कवच जिसे मोदी जी ने बनाया था और रेल मंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, उसका क्या हुआ? क्या अन्य वादों की तरह, जिसे बाद में मोदी सरकार यह कह देती है कि भाई वो जुमला था, तो क्या ये डिवाइस, ये सुरक्षा कवच, क्या ये भी जुमला था? इसी सवाल को लेकर के हम सिवान के
जो जदयू नेता है, जदयू के जिलाध्यक्ष चंद्र केतु जी, हम उनके साथ बैठे हुए हैं और उनसे हमारा पहला सवाल यही होगा कि सर आपने देखा कि इतने लोगों की मौत हुई है, अभी हमें भी पता नहीं है कि कितने लोगों की लाश उसमें से निकलेगी, लेकिन आखिर वो डिवाइस क्या हुआ, वो सुरक्षा कवच क्या हुआ, आज पूरा देश ये जानना चाहता है मोदी जी से कि मोदी जी ये क्या, कहीं ये भी तो जुमला नहीं था। देखिए पूरा देश चिंतित है, जो दुर्घटना हुई है, जो घटना घटी है, सही मायने में देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये, और इस हादसे का सबसे बड़ा जो इसलिए और भी बढ़ जाता है जी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक साल पहले एक सुरक्षा कवच बना था, एक डिवाइस ऐसा आई थी जिस पर उन्होंने बड़ी गर्व के साथ ये केंद्र सरकार ने कहा था कि अब कोई भी रेलगाड़ी आपस में नहीं टकराएगी जी। कुछ किलोमीटर पहले यानी 40 से 50 किलोमीटर के पहले जब गाड़ियां एक ट्रैक पर दोनों चलेगी हाँ, तो कहीं ना कहीं से दोनों ट्रेनों को सूचना हाँ, एक नजदीक आते आते सूचना होगी और रुक जाएगी जी। लेकिन दो कौन कहे हाँ, तो तीन तीन गाड़ियां एक साथ लड़ एक साथ लड़ गई, ये तो दुर्भाग्य है। और जहां तक जुमले की बात है तो यह सरकार तो जुमले की सरकार है, जुमला पर ही चल रही है, लेकिन लोगों को जान के साथ कम से कम जुमलेबाजी ये सरकार न करे। तो आखिर चंद्रकेतु जी सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर वो डिवाइस जिसे रेल मंत्री ने चलती गाड़ी में उसको चला करके गाड़ी में उसको लगाया गया था और लगातार वो बता रहे थे कि ये देखिए ये ऐसे काम करता है, अब गाड़ी वो इतने दूर आ गई, ये देखिए ये सिग्नल दे रहा है कि ये गाड़ी हम जिस वो जिस गाड़ी में खड़े थे वो गाड़ी बड़ी स्पीड में चल रही थी और देखिए ये कितनी स्पीड में चल रही है, यहाँ रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है और अब देखिए गाड़ी में ब्रेक लगना शुरू हो गया। आपको फर्रातेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना जिले का गौरव ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर महादेवा रोड सिवान, नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान। इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध, कॉल करें 9431871300। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल मोहदीपुर सिवान, यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर बेहतरीन आलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध, खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल मोहदीपुर सिवान, कॉल करें 9031106687 9801955631। अब ये येलो हो गया, अब ये जाके रुक गई, तो ये सिर्फ ये जो डिवाइस बना, ये जो सुरक्षा कवच बना, ये क्या सिर्फ मंत्रियों की गाड़ी के लिए बना या आम लोग ऐसे ही मतलब एकदम गाजर मुड़ी की तरह छोड़ दिया गया? इस पर स्पष्ट रूप से दो ही बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जैसे पहले जुमला पर जो बात हो रही थी, जैसे ये सरकार की आदत है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा केंद्र सरकार से कम लोगों के जहां जान माल की बात आ रही है वहां जुमलेबाजी न करें, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह हो सकती है कि जो डिवाइस का जो आविष्कार हुआ था, जो डिवाइस बनवाया गया था, हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो उसमें भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र सरकार के मंत्री हैं उन्हीं लोगों गाड़ियों में ये लगा है क्या? अब तो जिस तरह से घटना घटी है और इतने लोगों की जान गई है उससे तो यही लगता है। अरे मैं तो ये कहूंगा कि देखिए ये 17-18 घंटा हो गया घटना घटे हुए और अभी तक जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मृत लोगों का स्पष्ट नहीं है ना, सही नहीं मिल रहा आंकड़ा, सही नहीं मिल लोगों का भी आंकड़ा सही नहीं मिल रहा है, चूंकि लाशें अभी निकाली जा रही है जी। वहां बचाव जो दल है वो अपना काम कर रहा है। 280 जो नेशनल टीवी जो है, जो मोदी जी का अपना टीवी है, सब
वो 280 मरने वालों की सूचना दे रहा है और 900 के आसपास, और ये सुबह से चल रहा है, जबकि उसे लगातार ये भी बताया जा रहा है कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार उसमें से निकालने का काम कर रही है। तो फिर भी आंकड़ा वही दिखाया गया, आंकड़ा सुबह से वही चल रहा है, यह तो सोचने वाली बात है। लेकिन ये बात स्पष्ट है, जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, जो कह रहा है, तो ऐसे ही फेक दिख रहा है कि सुबह से जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है उसके बाद जो लाशें निकाली जा रही है उसका भी तो काउंटिंग होना चाहिए था, वह भी तो आना चाहिए था। घायल लोगों को भी जो संख्या है जो बढ़ रही है वो भी आना चाहिए था। लेकिन जो सबसे बड़ा ये चीज है, जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा का हमें लगता है कि वो आंकड़ा से कई गुना ज्यादा लोग उसमें मरे हुए हैं और घायल हुए हैं। तो चंद्रकेतु जी, एक सवाल ये भी उठता है कि मोदी जी, एक कहावत, आप तो लंबे राजनीतिक जीवन को जिया है और बड़ा बहुत कुछ देखा है, आप लोग खुद कहते हैं कि जब ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, और जब पिछले कुछ दिनों से आपने लगातार देखा होगा, चाहे वो वंदे भारत हो या और भी कई ट्रेनें हैं, ये काम तो रेल मंत्रालय का था, रेलवे मिनिस्टर को करना चाहिए था, लेकिन मोदी जी लगातार हरी झंडी दिखा रहे हैं, चाहे वो केरला हो, कर्नाटका हो, राजस्थान हो, जहां मोदी जी हरी झंडी। तो आज जो ये इतने लोगों की मौत हुई है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, मोदी जी लेंगे या रेल मंत्री लेंगे? देखिए, अभी तक तो यह स्पष्ट है कि इसकी जिम्मेदारी अभी तक कोई नहीं ले पाया है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी घटना का जिक्र कर दूं। आज से कुछ सालों पहले असम के गाइसल में एक दुर्घटना हुई थी। उस समय माननीय वाजपेयी जी की सरकार में सरकार थी, और जो बिहार सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं आज, वो वहां रेल मंत्री, तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे। जब वो घटना घटी तो इन्होंने तत्काल वहां से अपना रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, सिर्फ इसलिए कि अपने माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर कोई प्रश्न न जाए, कोई प्रश्न पूछने न जाए, अपने प्रधानमंत्री को बचाते हुए जिम्मेवारी लेते हुए, रेल मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। वहां प्रधानमंत्री कहीं कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, चूंकि नैतिक जिम्मेदारी नीतीश कुमार ले ली थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, इस पर तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, कहीं कोई जिम्मेवारी लेने के लिए। मैं यही एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह से ये तीनों गाड़ियां लड़ी है, तो कहीं ना कहीं तो वो गलती है, कुछ ना कुछ तो गलती नहीं, हुई है। नहीं कैलाश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो नीतीश कुमार जी के विषय में जो तरह तरह के ये भाजपा के लोग बोलते रहते हैं, कुर्सी कुमार है, फला कुमार है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह जब घटना घटी, नीतीश कुमार किसी से बिना पूछे, बिना देरी किए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि हमारे मंत्रालय द्वारा कहीं ना कहीं से इसमें गलती हुई है, जी गलतियां हुई है, इसके चलते ये दुर्घटना हुई है, उन्होंने रिजाइन कर दिया जी। लेकिन आज क्या हो रहा है हिम्मत? लेकिन मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि हरी झंडी आप दिखाते हैं, उद्घाटन आप करते हैं सारे चीजों का, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी आपको होनी चाहिए और आपको भी त्याग पत्र दे देना चाहिए। भारत के हजारों लोग या तो मरे या घायल हुए हैं, पड़े हुए हैं, जी जी जी, उसकी नैतिक जिम्मेदारी आपको नहीं लेना है, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक चंद्रकेतु जी, अभी एक तस्वीर हम अभी देख रहे थे, सोशल मीडिया का जमाना है, प्रियंका गांधी ने एक तस्वीर अभी दिखाया है, उसको जारी किया है फेसबुक पे, लाशें जो निकाली गई हैं बिना कफन की, बिना चादर में लपेट ऐसे रखी गई है, और उन्होंने लिखा है कि आज हमारे देश में मरे हुए लोगों को कफन नसीब नहीं है, जबकि इस देश का प्रधान चौकीदार दिन भर में 10 सूट बदलता है, ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने। देखिए, एक तो जो लाश है बिना कफन के, वो लाश को नहीं रखना चाहिए था, और वो तस्वीर मैंने भी देखी है, अभी वो तो एक जगह रखा हुआ है, वह भी तस्वीर मैंने भी देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ उसको ढक के रखना चाहिए। लेकिन इस देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीर है, जिनका मर गया वो मर गया, सारे लोग सरकार बनाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए अपना जमीर बेचना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह जो केंद्र की सरकार है अपनी जमीर भी बेच चुकी है सत्ता में सिर्फ रहने के लिए। तो आखिर ये आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, मोदी जी जा रहे थे और पूरा सदन जिसमें सारे उनके लोग जो थे
बहुत से लोग तो बाइकाट कर चुके थे विपक्ष के, तो वो सब ताली बजा रहे थे। तो क्या अब ये सारे सांसद और जो मंत्री हैं ये सिर्फ ताली बजाने के लिए है? जनता मरे जिए, क्या हो रहा है जनता के साथ, उससे उनको कोई मतलब नहीं है? देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी घटना उस दिन घटी जिस दिन लोकसभा का उद्घाटन हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदया को न बुला करके, आपने देखा भी होगा, जनता दल यू ने एक कार्यक्रम भी किया था, हम लोगों ने 2.5 घंटे का उपवास भी उस दिन रखा, 11 से 1:30 बजे तक पटना अम्बेडकर चौक पे, क्योंकि हम लोगों का कार्यक्रम पटना में ही चल रहा था। जिला लेवल और ये विधानसभा प्रभारी और पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक थी वहाँ, तो बैठक में ही तय हुआ और हम लोग अनशन पर चले गए। हम लोगों ने अनशन के माध्यम से वहाँ विरोध किया, लेकिन जो घटना घटी वहाँ, ये तो घटना घटी कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया और उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, ये तो अपने आप के इतिहास में ये दर्ज होगा, ये तो ये गला अध्याय के तौर पे ये दर्ज। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना वहां घटी कैलाश जी, वह यह थी कि जंतर बंतर पर जो लड़कियां धरना प्रदर्शन कर रही है, जो बैठी है मांग रही है अपना, उसका जो कल्प्रिट है, दोषी है, उसको सदन में बैठाया जा रहा है और सदन पर फोकस कराया जा रहा है कि बृजभूषण कैबिनेट हॉल में बैठा हुआ है। ये क्या संदेश गया होगा पूरे भारत में, भारत के बाहर? चलिए, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये तो लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये लगातार मोदी जी का हर वो काम जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां निकल जा रही हैं। हम इस पर बात करेंगे आगे, जब अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं रेलवे के उस भयानक दुर्घटना पे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ समय में, अभी शाम तक या कल सुबह, रेल मंत्रालय इसकी जिम्मेवारी लेगा और इस पर कुछ कार्रवाई होगी? और जिस तरीके से वो लाशें रखी गई है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा? देखिए, एक्शन कौन लेगा, एक कहा जाता है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कौन लेगा? सब कुछ तो वही लोग हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज आपको बताने जा रहा हूं, पता नहीं आप किस पर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, हमारे देश के लोग विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। संयोग से भारत में एक ऐसा रेल मंत्री भी आया जिसका नाम नीतीश कुमार जी था, और तकनीकी रूप से इतना सक्षम और मजबूत वह व्यक्ति था, उन्हीं के समय में जो रेलवे में काम हुआ है, जिसके बलबूते उस दिनों तक रेलवे ठीक ठाक चला। ठीक है, उस समय भी दुर्घटनाएं कुछ हुई, हम इंकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुर्घटना के बाद जो तकनीकी रूप से जो रेलवे को उन्होंने मजबूत किया और रेलवे को जो सौगातें उन्होंने दी, उसी पर यह आज तक चल रहा था। और इन लोगों के बूते की बात नहीं है कि रेलवे को कहीं से सक्षमता पूर्वक ये लोग दौड़ा गए, क्योंकि इनके पास में तकनीक जानने वाला कोई मंत्री है? यहां तक कि आरबीआई का गवर्नर भी इस बार इकोनॉमिस्ट नहीं है, इनका फाइनेंस मिनिस्टर भी इकोनॉमिस्ट नहीं है। तो इन लोगों को तकनीक से और इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो यहां तक भी कह सकते हैं कि यह देश जो है वो अपने आप चल रहा है, देश किसी के शासन में नहीं चल रहा। वो जो कवच और डिवाइस की बात हो रही थी वो भी जुमला हुआ, वह भी जुमला है, 100% जुमला है, वो तो आप भी दे सकते हैं। लेकिन बढ़िया उत्तर तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कभी आप लोगों से मिले या माननीय रेल मंत्री मिले, अगर उनसे बात होगी तो स्पष्ट उत्तर आएगा इसका। चलिए देखते हैं कि आपने देखा कि चंद्रकेतु जी से रेलवे की जो दुर्घटना हुई है उस पर बातचीत हो रही थी, और वाकई ये कहने के लिए नहीं, जिस तरह से बढ़ा चढ़ा करके रेल मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने भी उस डिवाइस की, उस सुरक्षा कवच की बात की थी, और आज वो बिल्कुल फेलियर साबित हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि ये भी जो 15 लाख का एक वादा किया था इन लोगों ने, और बाद में ये कह दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, ये कह दिया कि भाई वो चुनावी जुमला था, तो अब इनका ये सुरक्षा कवच और वो डिवाइस, ऐसा लग रहा है कि ये भी जुमला है, और इस जुमले ने आज हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया है, और ये मौत आने वाले 2024 में एक एक मौत का हिसाब मांगेगी मोदी जी से। और ये देखिएगा कहीं ये दुर्घटना मोदी जी पर भारी ना पड़ जाए।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम। सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरी कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्हा प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज। वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा। बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765, 9852285566।